राइस ट्रांसप्लांटर की सहायता से साफ सुथरे ढंग से और कुशलतापूर्वक धान की रोपाई की जा सकती है, लेकिन इस्तेमाल में लाई जाने वाली नर्सरी राइस ट्रांसप्लांटर के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, जिससे कि रोपाई सुचारू हो और बढ़ोतरी में बाधा ना आए। आइए संक्षेप में जानते हैं कि राइस ट्रांसप्लांटर का इस्तेमाल कर रोपाई के लिए नर्सरी का किस तरह प्रबंधन किया जाना चाहिए और क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए। अब आइए नर्सरी तैयार करने की विधि पर नजर डालें। नर्सरी के लिए इस प्रकार के धान के खेत का चयन कीजिए जिससे आसानी से पानी निकल सकता है। जुताई कर मिट्टी तोड़ने और सतह को समान रूप से समतल करने के लिए रोटरी टिलर का इस्तेमाल करें, नहीं तो नर्सरी की बढ़ोतरी एक समान नहीं होगी। इस प्रकार के खेत का इस्तेमाल करने से बचें जिसमें सब्जियां उगाई गई हैं, क्योंकि इस प्रकार के खेत की मिट्टी में जीवाणुओं की भरमार होती है। नर्सरी को सुगमता पूर्वक सिंचित करने के लिए नर्सरी के दोनों तरफ नाली बनाएं। अब आइए धान के बीजों को तैयार करने की विधि पर नजर डालें। अनुशंसित या किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा गारंटीशुदा धान के बीजों का इस्तेमाल करें। घर पर रखे धान के बीजों का इस्तेमाल करते समय विशिष्ट गुरुत्व चयन के अनुसार बीजों का चयन करें। इस तरह आप सबसे अच्छे बीजों का चयन कर सकते हैं, जिससे नर्सरी की एक समान बढ़ोतरी सुनिश्चित होती है। इससे आपको बीजों की धूल मिट्टी, पुआल के मलबे और खरपतवारों से भी मुक्त कर सकते हैं। धान के बीजों को पानी में भिगो दीजिए। कुछ बीज पानी में डालते ही नीचे बैठ जाएंगे, जबकि अन्य सतह पर तैरते रहेंगे। इस बात की पूरी संभावना होती है कि तैरने वाले बीज भरे हुए नहीं है या अंकुरित नहीं हो सकते हैं। एक जालीदार टोकरी से उन्हें छानकर निकाल ले और बुवाई के लिए इनको इस्तेमाल में ना लाए। नमकीन पानी का इस्तेमाल करने से चयन करना और ज्यादा बेहतर हो सकता है। 10 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम नमक मिलाकर नमकीन पानी तैयार करें और विशिष्ट गुरुत्व समायोजित कर 1.08 पर रखें। धान की संकर और बासमती किस्मों के लिए ताजे पानी में न कि नमकीन पानी में बीजों का चयन किया जाना चाहिए। नमकीन पानी का इस्तेमाल कर चयन करने के बाद नमक की सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा भी हटाने के लिए बीजों को अच्छी तरह से ताजे पानी से धोएं। नमक की थोड़ी सी भी मात्रा बची रहने पर बीजों को नुकसान पहुंच सकता है। अब धान के बीजों को पर्याप्त मात्रा में पानी सोख लेने दे, जिससे कि बुवाई के बाद अंकुरण और बढ़ोतरी को बढ़ावा मिले। इस चरण को बीज भिगोना कहा जाता है। जालीदार थैलियों में धान के बीजों को बांट कर भिगोएं, जिससे कि धान के बीज समान रूप से पानी सोख ले। बांटने के बाद धान के बीजों को पानी में डालकर अंकुरण होने की प्रतीक्षा करें। दिन में दो बार पानी बदलना सुनिश्चित करें। पानी नहीं बदलने पर धान के बीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे अंकुरित नहीं हो पाएंगे। अगर कोई जल स्रोत उपलब्ध है तो निरंतर पानी दिया जा सकता है। धान के बीजों द्वारा पर्याप्त पानी सोख लिए जाने और इस तरह फूल जाने पर बीज भिगोने का काम पूरा हो जाता है। बहुत ज्यादा अंकुरण न होने पाए इसको लेकर सावधानी बरते। धान के अंकुर लगभग 1 मिलीमीटर हो जाने पर बुवाई के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। अंकुरित न होने वाला या बहुत ज्यादा अंकुरित हो गया धान उचित रूप से उग नहीं पाता है। धान के बीजों का अंकुरण पूरा हो जाने पर उन्हें छाया में सुखाया जाना चाहिए। धान के बीजों को विनाइल की शीट पर फैलाकर छाया में सुखाया जाना चाहिए। धान के बीज उपयुक्त रूप से सूखे हैं या नहीं ये जानने के लिए उन्हें अपने मुट्ठी में बंद कर फिर उसे खोलें। कई बीज आपकी हथेली से चिपक जाने चाहिए। अब आइए बुवाई प्रक्रिया पर नजर डालें। यहां हम सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल किए बिना हाथ से बुवाई की विधि बताने जा रहे हैं। एक क्षेत्र में नर्सरी की फ्रेम के लिए इस तरह क्यारी बनाएं, जिससे पानी सोखने और निकालने की प्रक्रिया का प्रबंधन आसान हो। सतह की मिट्टी जोतकर या गुड़ाई कर बारीक बना ले और सतह समतल कर ले। नर्सरी की एक समान ऊंचाई पाने के लिए मिट्टी को समतल करना जरूरी है।
पानी की आपूर्ति और निकासी के लिए क्यारी पर छिद्रित विनाइल की शीट बिछाएं। विनाइल शीट छिद्रित न होने पर उसमें छेद कर लें। 2.5 से 3 सेंटीमीटर वर्गाकार लकड़ी का नर्सरी का एक फ्रेम बनाएं, जिसकी आंतरिक लंबाई चौड़ाई 28x58 सेंटीमीटर रखें। क्यारी की मिट्टी 2 से 2.3 सेंटीमीटर की मोटाई में होनी चाहिए और सतह समतल होनी चाहिए। इसके बाद आइए हाथ से बुवाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन इस्तेमाल करने की विधि पर नजर डालें। फ्रेम के दोनों तरफ लगी पटरियों पर हाथ से बुवाई करने वाली मशीन को चलाकर धान के बीजों को बोया और मिट्टी से ढका जा सकता है। बुवाई करने वाली मशीन चलाने के लिए पटरियों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी का एक फ्रेम बनाएं। फ्रेम इस प्रकार बनाएं कि ये नर्सरी की फ्रेम के अनुरूप फिट बैठे। चित्र में अनुशंसित लंबाई चौड़ाई दर्शाई गई है। बोए जाने वाले बीजों की मात्रा तय करने के लिए पहले परीक्षण के तौर पर बुवाई की जाती है। अगर पटरियों के लिए लकड़ी के फ्रेम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो नर्सरी की फ्रेम के दोनों तरफ एक एक लकड़ी का लट्ठा रखें। फ्रेम पर बुवाई करने वाली मशीन आगे बढ़ाकर बुवाई करें। विषमता से बचने के लिए स्थिर गति से चलें। तेज गति से चलने पर कम बीजों की बुवाई होती है और धीमी गति से चलने पर अधिक होती है। अगर कोई क्षेत्र बीज रहित है तो वहां हाथ से बुवाई करें। हाथ से बुवाई के लिए क्यारी की मिट्टी में हाथ से समान रूप से बीजों की बुवाई करें। अंत में यहां बुवाई बाद प्रबंधन के संबंध में कुछ अनुशंसाएं की गई हैं। सभी नर्सरी की ऊंचाई लगभग 5 किलोमीटर हो जाने पर अंकुरण पूरा हो जाता है। नर्सरी की पत्तियों को धूप से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए और अचानक बारिश द्वारा नर्सरी को बहा ले जाने से बचाने के लिए नर्सरी की सभी ट्रे को जाली से ढक दे। दिन के दौरान बहुत ज्यादा तापमान या भापार से झुलसने से बचने के लिए समय समय पर हवादार बनाते रहें। ध्यान रखें कि नर्सरी सूख कर मर ना जाए, लेकिन बहुत अधिक पानी से नर्सरी कमजोर पड़ जाएगी। बहुत ज्यादा सूखा होने से बचाने पर ध्यान देते हुए नर्सरी को ठीक से पानी दें। नर्सरी की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाने पर और पत्तियों की संख्या 2 से 2.5 हो जाने पर नर्सरी ट्रांसप्लांटर से रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। खेत में ले जाते समय तैयार नर्सरी का सावधानी से रखरखाव करें। आपने अभी जाना कि राइस ट्रांसप्लांटर्स के लिए उपयुक्त नर्सरी उगाने की विधि क्या है। ट्रांसप्लांटर के लिए उपयुक्त स्वस्थ नर्सरी का पोषण कर आप धान की अच्छी नर्सरी उगा सकते हैं और राइस ट्रांसप्लांटर के कई फायदों का पूरा इस्तेमाल कर भरपूर पैदावार की अपेक्षा कर सकते हैं। ये काम करने के लिए आपको उत्तम नर्सरी प्रबंधन में महारत हासिल करनी होगी।